Now it is your part 18 NCERT exercise 2.4 class 9 and question number 4 and simple it is your simple question factorize and first introduction part में हमने factorization एक part में video किया जो 30 minutes के video है उसमें factorization जो quadratic factor quadratic polynomial given है और वो quadratic polynomials के whole part हमने cover किया है उसमें short tricks एंड लॉन्ग डिविजन एंड लॉन्ग मिडिल टर्म स्पेल्टिंग मेथड उसमें बताया गया है और आपने अच्छे से उसको वॉचिंग किया भी होगा जस्ट उसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करने एंड दैट इज वेरी सिंपल इसके मिडिल टर्म की को किस तरह से स्पेल्टिंग करेंगे तो मिडिल टर्म स्पेल्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करना है फर्स्ट जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर गिवेन है 12x² - 7x + 1 अगेन हम रिपीट कर रहे हैं फिर से सुनिए अगेन फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म करते हैं तो क्या होगा 12 × 1 = 12 अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3 4 × 3 = 12 अब ऐसे टर्म लाने हैं ऐसे नंबर लाने हैं जिसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये मिडिल टर्म आए और मल्टीप्लिकेशन दैट नंबर आए दैट मीन्स ये आएगा 4 और 3 हमने क्या लाया 4 और 3 एड करेंगे तो 7 आ रहा है तो मीन्स दैट नंबर विल बी वैल्यूएबल फॉर स्पेल्टिंग द मिडिल टर्म तो यहाँ पर इस मिडिल टर्म को स्पेल्ट कर दिए तो यहाँ से आया 12x² - 4x - 3x + 1 और इसमें से कॉमन लेंगे कॉमन ले सकते हैं 4x दैट 3x - 1 अगेन अब देख रहे हैं यहाँ से 3 है 1 है दोनों में कोई कौन सा कॉमन होगा कोई 1 कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3x - 1 - × - +1 आ गया दैट मीन्स योर फैक्टर विल बी 3x - 1 × 4x - 1 इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आ गए 3x - 1 और 4x - 1 तो ये आ गए फैक्टर ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है 2x² + 7x + 3 तो इसमें मिडिल टर्म स्पेल्टिंग के बिफोर हम करते हैं फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म मीन्स 2 × 3 = 6 और देख रहे हैं 2 × 3 = 6 बट अब 6 को स्पेल्ट करना है ऐसे ऐसे दो प्राइम फैक्टर में दैट मीन्स ये मिडिल टर्म के एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए मीन्स आफ्टर एडिशन वो नंबर आ जाए मिडिल टर्म और यह सब्ट्रैक्शन आ जाए हम देखेंगे 6 और 1 अगेन देखिए 6 और 1 में 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा मीन्स हमने जो फैक्टर किया 6 और 1 फैक्टराइज किया किसको 6 को ये बिल्कुल राइट है अब यहां से इसको वैल्यू पुट करेंगे तो 2x² + 6x + 3 6x + x 7x and 6x × 6 × 1 6 आ रहा है मीन्स स्पेल्टिंग बिल्कुल राइट है यहाँ पर एंड नेक्स्ट यहाँ से कॉमन लेंगे 2x कॉमन लेंगे x + 3 यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है 1 कॉमन लेंगे तो x + 3 आएंगे मीन्स योर फैक्टर विल बी x + 3 × 2x + 1 x + 3 = 2x + 1 इट इज ऑल्सो योर आंसर टू नंबर के आंसर आ गए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड अब क्वेश्चन नंबर थर्ड नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 6x² थर्ड में गिवन है 6x² + 5x - 6 नेक्स्ट इसमें क्या करना है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म 6 × 6 = 36 अब 36 में 36 नंबर गिवन है इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 2 × 2 = 4 3 × 12 3 × 36 अब इसमें लाने क्या है ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना है जिसके सब्ट्रैक्शन या एडिशन 5x हो तो देखते हैं 4 × 2 = 4 3 × 3 = 9 तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5x दैट मींस 9 और 4 इज द ट्रू स्पेल्टिंग ऑफ 5x मीन्स 5 का सही स्पेल्टिंग है तो स्पेल्टिंग इसमें
6x2। अगेन कर सकते हैं 9x plus 4x minus 6। इसमें अब करेंगे क्या, कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे, सॉरी 9x minus 4x होगा, 9x minus 4x तो आएगा 5x, तो यहां से 3x कॉमन लेंगे, x तो आएगा 2x plus 3। नाउ यहां से 2 कॉमन लेंगे, अगेन 2 कॉमन लेंगे, तो अगेन आएगा 2x minus plus 3, दैट मींस 2x plus 3, योर फैक्टर विल बी 2x plus 3 एंड 3x minus 2, इट इज योर आंसर। तो आंसर भी है 2x plus 3 एंड 3x minus 2। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड को देखा, नाउ हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर गिवन है 3x square minus x plus 4, तो इसमें भी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म, तो 3 multiply 4 = 12, एंड इसके प्राइम फैक्टराइजेशन भी 3 एंड 4 के टर्म में करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि 4 एंड 3 इसके डिफरेंस 1 है, और ये टर्म मिडिल टर्म भी यहां पर देख रहे हैं 1 आ रहा है, इसके कोफिशिएंट 1 है, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए, सॉरी इसके फैक्टराइजेशन के लिए 3 एंड 4 के टर्म में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, स्पेल्ड कर देते हैं, मींस 3x square minus 4x plus 3x, सॉरी ये हो सकता है प्लस 3x माइनस 4x करेंगे, माइनस 4, तो यहां से देखेंगे माइनस 4x प्लस 3x माइनस x आ रहा है, और 3 एंड 3 में कॉमन आएगा और 4 एंड 4 में कॉमन आएगा, तो 3x कॉमन आएंगे x प्लस 1 एंड माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, मींस माइनस 4 इनटू प्लस 1 माइनस 4, तो यहां से योर न्यूर योर फैक्टर विल बी x प्लस 1 इनटू 3x माइनस 4 इज द फैक्टर आर द फैक्टर ऑफ गिवन पेयर, इट इज योर आंसर x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4, ये आंसर हो गया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कवर किया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5।